यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम बड़े आश्वासन के बाद भी महानगर के साथ ही कस्बों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लखनऊ, झांसी, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोंडा तथा मेरठ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लखनऊ के साथ ही अन्य महानगरों में भी ऑक्सीजन का आपातकाल है। इतना ही नहीं, प्रदेश में टेक्नीशियंस के संक्रमित होने के कारण अब आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं हो रहा है। लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। यहां पर अस्पताल प्रबंधन ने गेट पर नोटिस भी चिपका दिया है। आज लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। मेयो हॉस्पिटल से कोरोना संक्रमितों को लौटाया जा रहा है। अब तो हॉस्पिटल में भर्ती अन्य मरीजों की भी जान संकट में है। कानपुर में भी ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। यहां पर अस्पताल वालों ने तीमारदारों को ही खाली सिलेंडर थमा दिया है। उनसे बोला गया है कि जाकर खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर भराओ। यहां पर अस्पताल वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तीमारदार यहां पर ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। तीमारदार खाली सिलेंडर लेकर स्कूटी व बाइक से घूम रहे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सप्लायरों के यहां पूरे दिन सिलेंडर की रिफिलिंग व नए सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हाल ये रहा कि सप्लायरों की दुकानें बंद होने पर भी लोग बाहर खड़े इंतजार करते रहे। सिलेंडर की रिफिलिंग कराने में लोगों का पूरा दिन बीत गया। इस पर भी आधे से अधिक लोगों का निराश ही लौटना पड़ रहा। कोरोना संक्रमण से हालात भयावह होते जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में मरीजों की हालत बिगड़ने पर भी अस्पतालों में बेड न मिलने पर डॉक्टरों की सलाह पर तीमारदार घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके चलते सप्लायरों ने मोटी रकम जमा कराकर सिलेंडर किराए पर देने शुरू किए। यहां की सप्लायरों ने अपने मोबाइल फोन तक ऑफ कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश में अब आरटीपीसीआर जांच को लेकर भी मारामारी है। लखनऊ में भी हालत बेहद खराब है। यहां प्राइवेट लैब में जांच कराने को लेकर लूट मची है। आरटीपीसीआर जांच के नाम पर 1400 से लेकर 2800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सरकार के छूट देने के बाद से यहां पर प्राइवेट अस्पताल व प्राइवेट लैब ने लूट मचा दी है। कोरोना की जांच कराने के लिए लोग प्रदेश में अब दर दर भटक रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल तथा लैब लोगों की गंभीर स्थिति का लाभ लेने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की किल्लत को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया कि ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले सभी संयंत्रों पर चौकसी बढ़ा दी जाए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस तैनात कर दी जाए, ऑक्सीजन लेकर आवागमन करने वाले वाहनों पर GPS के जरिए निगरानी रखने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आदेश दिया है कि राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ाया जाए। आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से गठित कमेटी ने 31 दिसंबर तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दशा में लाइसेंस से छूट दे दी है। यदि कोई नई यूनिट लगाने का इच्छुक है तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। जिन इकाइयों की लाइसेंस अवधि खत्म हो रही है अथवा खत्म हो गई है तो वह 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस के बिना कार्य कर सकेंगी। कांग्रेस ने कोविड-19 संक्रमण के मामलों की बढ़ोतरी की गवाह बनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तुलना चीन के वुहान शहर से करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की अक्षमता और अनुभवहीनता ने राज्य की जनता को घोर संकट में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान में आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से स्थितियां भयावहता की गंभीरतम स्थिति तक पहुंच गई हैं। राजधानी लखनऊ चीन का वुहान बन चुका है। यहां के अधिकांश मोहल्ले मौत के मातम में डूबे हुए हैं। सरकार और उसकी व्यवस्था पंडुता की शिकार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर मास्क न लगाने पर दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाए जाने के फैसले पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को गिद्धों के हवाले कर दिया है। सरकार केवल बयानों तक सीमित रह गई है और आम आदमी का कोई पुरसाहाल नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में वॉल्व खुला रहने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे जिन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। इनमें 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लखनऊ नगर निगम के सारे दावे खोखले। नगर निगम सिर्फ कागजी काम करके फोटो खींचा कर जनता को बेवकूफ बना रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होकर भी नगर निगम द्वारा कहीं भी सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, कूड़ा उठाने, नालों की सफाई से लेकर पानी सप्लाई अथवा स्ट्रीट लाइट तक का कोई काम नहीं किया जा रहा। सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया और मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत में लखनऊ का बुरा हाल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और उपचार ले रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे पिता चौधरी अजित सिंह जी और बड़ी बेटी साहिरा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके पैरामीटर सामान्य हैं और चिकित्सकों की सलाह अनुसार दोनों का उपचार जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रेलवे प्रशासन ने लोकल रूट पर चलने वाली लखनऊ पाटलिपुत्र और गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनों को 21 अप्रैल से निरस्त कर दिया है। दरअसल इन ट्रेनों को यात्री नहीं मिल रहे थे। कुछ ट्रेनों में तो 10 टिकट भी बुक नहीं हुए पिछले कुछ दिनों में। यूपी के सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला थाना क्षेत्र का मेदपुर बरचौली गांव आज चुनावी रंजिश में गोलियों की तिलतिलाहट से गूंज उठा। ताबड़तोड़ हुई कई राउंड फायरिंग में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौझील इलाके के गांव मुरलिया में पंचायत प्रत्याशियों द्वारा दी जा रही दावत को रोकने का प्रयास करने पर ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर ही पथराव कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 10 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस के दूसरे लहर में इस वक्त भारत फंसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछली बार के वायरस में और इस बार के वायरस में काफी अंतर आ चुका है, और इसीलिए इस बार वायरस की चपेट में आने से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। भारत में पहले से ही कोरोना वायरस 2 बार म्यूटेट कर चुका है, जो बेहद खतरनाक तौर पर लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन अब जीनोम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस तो 2 बार म्यूटेट कर ही चुका है। इसके साथ ही कोरोना वायरस ग्रुप का नया वायरस भी आ गया है, जिसका नाम भी 1.618 रखा गया है। इस म्यूटेंट वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये शरीर के इम्यून सिस्टम को काफी तेजी से खराब करता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये म्यूटेंट वायरस महामारी को काफी तेजी से बढ़ा रहा है और वेस्ट बंगाल में काफी तेजी से फैल रहा है। यह एक ऐसा म्यूटेंट वायरस बन चुका है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बर्बाद तो करता ही है, इसके साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी बच सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी देश में कोरोना वायरस का म्यूटेंट वेरिएंट ही कहर बरपा रहा है, इसीलिए पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।